Rahim Dear students, Assalamualaikum warahmatullahi barakatuhu Welcome to the Lahore Garrison School online classes. Due to smoke, the school is not able to take your physical classes throughout the week, so we are giving you online lectures. Today the day is Saturday and the date is eleventh of December. Let's start our online lecture number six. सानी मिन हादिल हदीसु हदीस नंबर पाँच ला यू मिनु आहदम हता यकून हवााहमा जी तो भी तर्जमा तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के उसकी ख्वाहिश उस तालीम के मुताबिक ना हो जाए जो मैं लाया हूँ यानी इस हदीस मुबारका में हज़रत महम्मद सल वसम इर्शाद फरमाते हैं कि तुम में से कोई यानी मुसलमानों में से कोई उस वक्त तक ममिन नहीं हो सकता जब तक कि हम अपनी ज़िंदगी इस्लामी तलीमत के मुताबिक ना गुज़ारें जो कि हज़रत मोहम्मद सल वम ने हमें सिखाई यानि कुरान करीम में जितनी भी तालीमा हैं वो अल्लाह ताली ने हज़रत महम्मद सल वसम के ज़रिए हम तक पहुँचाई हैं और अगर हम उन बातों पर अमल नहीं करते हम उस तालीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते तो हम मोमिन नहीं हो सकते तशरी तश्री अतातेसूल सल वसम अल्लाह ने इंसान की फितरत के अंदर नेकी और बदी दोनों का शौर रखा है इसलिए उसे चाहिए कि वो इरादे और इख्तियार के बावजूद बुराई या गुनाह के कामों से दूर रहे यानी यहाँ पे इशाद फरमाया गया है कि इंसान को बेशक के इल्म होता है कि क्या चीज़ ग़लत है और क्या चीज़ बुरी है अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया है क्योंकि इंसान को उसने शोर दिया है फ़रिश्ते सिर्फ़ अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं वो अब उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते जबकि जो इंसान है इंसान को अल्लाह ताली ने यह इख्तीार दिया है कि इंसान चूज़ कर सकता है वो अपने हिसाब से जो चीज़ उसको सही लगती है उसे सही समझ सकता है जो चीज़ बुरी लगती है उसे बुरी समझ सकता है इसी तरह जानवरों में भी अल्लाह ताला ने ते हिस्स नहीं रखी वो सिर्फ़ अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी ज़िंदगी का मकसद खाना पीना और जो भी उनको अल्लाह ताला ने फ़राइज़ दिए हैं वो उसी तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं जबकि इंसान चूज़ कर सकता है वो अपने हिसाब से वो चीज़ों को समझ सकता है जज कर सकता है जबकि फरिश्तों में और जानवरों में या दूसरी तमाम मखलूक में ये सब कुछ नहीं मौजूद जैसे इलामा इकबाल ने भी फरमाया है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान वरना अतात के लिए कम न थे करो बयाँ यानी अगर, अगर अल्लाह ताला को सिर्फ इबादत चाहिए होती तो उसके लिए तो फरिश्ते बेशुमार हैं कई गुना फ़रिश्ते हैं सातों आसमानों पे फरिश्ते हैं और वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हैं हर वक्त सजदा रेज रहते हैं जबकि इंसान जो है वो दुनिया के काम भी करता है अपनी ज़िंदगी भी गुजारता है अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं उनमें दिलचस्पी भी लेता है लेकिन जो फरिश्ते हैं वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही इसलिए है ताकि हम एक दूसरे के काम आए अच्छाई को समझ सकें बुराई को समझ सकें और उन दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करें अपनी इस दुनिया के ज़िंदगी में जैसे इंसान को पहली लाइन में आपको बताया इंसान के अंदर नकी और बधी दोनों का शुरू होता है यानी हम जज कर सकते हैं हम पहचान सकते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है कौन सा अमल हम करेंगे तो नेकी हमें मिलेगी और कौन सा ऐसा अमल हम करेंगे तो हमारे हिस्से में गुना लिखे जाएंगे इस चीज़ का इल्म हमें बखूबी है तो उसी हिसाब से हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ताकि हम अगर अच्छाई करें तो हमें नेकी मिले और बुराई के कामों से बचे रहें जो कि हमारे गुनाह में इजाफ़ा करेंगे और दूसरा ये है कि अपने जज्बात एहसास और खयालात को अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारे और हदीस में आया है कि अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता तो गोया वो इस ईमान की लज्जत से नावाफ़ है अब यहाँ पे इर्शाद फरमाया गया है कि जो शख्स झूल करम सल्हलम की अाद के मुताबिक अपने जज्बा एहसास और ख़यालत यानी रोज़मर के जो, रोज जो आपकी रूटीन है उसके अंदर जो आप काम करते हो जो आपके अहसास होते हैं जज्बात होते हैं आप जो के जो ख़्यालत होते हैं इवन आपके ख़यालत भी कुरान सुन्नत की रोशनी में होने चाहिए कुरने क्रीम में इंसान की ज़िंदगी शुरू होने से पहले से यानी इस दुनिया के बनने से पहले से तमाम तलीमांत मौजूद हैं और इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद यानी क़यामत के बाद के तमाम मामलात उसमें दर्ज हैं इंसान की ज़िंदगी रोज़मर्रा में जो भी उसके मामल होते हैं काम होते हैं और मसाइल होते हैं उनका हल भी मौजूद है जो भी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं उन तमाम चीज़ों का हल कुरान मजीद में मौजूद है और कुरान मजीद क्योंकि आखिरी अल्हामी किताब है तो वह आखिरी नबी हज़रत महम्मद सल वसलम पर नाजिल की गई और हज़रत महम्मद सल वसम आखिरी नबी होने के साथ साथ इस तमाम दुनिया की इंसानियत के लिए सरचश्मा हैं नमूना है हर चीज़ का नेकी के लिए उन्होंने हर चीज़ बताई है कि नेकी किस तरह से की जाती है और किन कामों में नेकी है इसके अलावा बुराइयों के बारे में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीलन बयान किया है और ना सिर्फ़ बुराइयों के बारे में बयान किया गया है कुरान मजीद में बुराइयों से बचने के तरीके भी बताए गए हैं कि हम जिन बुराइयों का जिक्र करते हैं जो गुनाह हम जिक्र करते हैं उनसे बचा किस तरह जा सकता है यानी क़ुरान करीम को जामिया किताब भी कहा जाता है जामिया का मतलब होता है मुकम्मल और इसीलिए वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुकम्मल और आखिरी रसूल हैं अल्लाह ताला के वो आखिरी पैगंबर हैं पैगंबर का मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला यानी हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैग़ाम हम तक लेकर आए हैं जो अल्लाह ताला ने तालीमात हमें अता की हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए की हैं और कुर करीम में दर्ज हैं वो तमाम की तमाम तालीमात इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी जो है ज़िंदगी के तमाम मामलात, वो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात मर्ज़ी और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जो कि कुरान मजीद में, में दर्ज है कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है अल्लाह क्या चाहते हैं उसमें तमाम चीज़ें दर्ज हैं हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में कामयाब हो सकें और हमारा ईमान मुकम्मल हो सके नेक्स्ट लाइन है दूसरे लफ्जों में इस हदीस मुबारक में अतात रसूल अलैहि वसम का पैगाम है अल्लाह ताली ने भी फरमाया है जिसने मेरे नबी सल वसल्लम की अतात की उसने गोया मेरी अतााद की यहाँ पे तफसीला अल्लाह पाक इर्शाद फरमा रहे हैं अल्लाह पाक ने वाजिया तौर पे ऐलान फरमाया है कि जिसने जो शख्स चाहता है कि वो अल्लाह ताला की अताात करे उसके लिए फ़र्ज़ है कि वो पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करे अतात का मतलब होता है उनकी बात मानना उन्होंने जो इर्शादात फरमाए उनको मानना अगर हम अल्लाह ताला की खुशनऊुदी हासिल करना चाहते हैं अल्लाह ताला हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले नबी अक्रम सल वसम को खुश करें वो जो हमारे लिए तालीम लेकर आए हैं हम पहले उसको समझें सीखें उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तब ही हम अल्लाह ताला की खुश हासिल कर सकते हैं तभी अल्लाह पाक हमसे खुश होगा इसलिए अल्लाह पाक ने भी अल्लाह पाक ने वाजिया तौर पे फ़रमाया है ताकि इसमें कोई शिरक़ का ज़ुमरा बाकी ना रहे जिसने मेरे नबी अलैहि वसल्लम की अतात की उसने गोया मेरी अतात की यानी यहाँ पे मैं दोबारा रीड करके मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अल्लाह पाक वाजिया तौर पे फ़रमा रहे हैं कि जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला उससे खुश हो अल्लाह ताला, ताला उससे राज़ी हो यानी अल्लाह त खुश करना चाहते हैं अगर अल्लाह पाक हमसे खुश होगा तभी हमारी दुनिया भी बेहतरीन रहेगी और आख़रत तो हमारी इन बेहतर होगी ही अगर हम इस्लाम के तमाम कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें अपने तमाम मामला अपनी मुश्किलें हर चीज़ को सॉल्व करें सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करके कुरान मजीद की बातों पर अमल करके क्योंकि कुरान मजीद में तमाम चीजें तफसीलन बयान की गई हैं राइट डाउन योर डायरीज इस्लामीयत हदीस नंबर 5 लर्न एंड राइट थैंक यू अल्लाह हाफिज़